नाम समीउल्ला, हम आंध्र प्रदेश से कुप्पम में रहते हैं। ये मेरा बेटा अजीमुद्दीन है, इसको स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम था, वो जैसा भेंड हो गया था पहले, है ना, 5 साल की उम्र में तो बच्चा कहीं कहीं भी गिर जाता था। गिर जाने के बाद पैर ऐसा दर्द होता बोलता था, जाके बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाए, वहाँ पे से कुछ इलाज करने के लिए कोई नहीं मिले थे। ये मणिपाल हॉस्पिटल एयरपोर्ट रोड में है ना, उस हॉस्पिटल में हमारे साथ आंटी काम कर गए थे। उन्होंने काम कर लेने वाले क्या बोले, यहाँ पे एक बार दिखाओ, विद्याधर सर से कंसेशन कराओ। विद्याधर सर से आके मिले हमें, मिलने के बाद वो सर बोले इसको सर्जरी करना पड़ता है और पीठ में राड गेट डाल के लगाना पड़ता है। मास्टर अजमुद्दीन सोहेल प्रेजेंटेड टू अस इन 2016 एट द एज ऑफ 5 years with progressive deformity of the mid back. He was evaluated and found to have a congenital hemivertebra of the thoracolumbar junction. He underwent a vertebral column resection surgery and fusion of the thoracolumbar junction for the same using multimodal neuromonitoring. The child walked on the day after the surgery and was discharged home on the second post-operative day. I am amazed to see him do all the activities of daily living, including playing volleyball for his school and doing well in the 10th standard exams. I wish him all the very best. विद्याधर सर को बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ मैं। क्यों बोले तो सर ने ऑपरेशन करने के बाद मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक से, बच्चा पहले ऐसा था यानी कि भेंड हो गया था, बिल्कुल ऐसा भेंड हो गया था, सीधा नहीं था बच्चा। ऑपरेशन करने के बाद अब बिल्कुल ठीक है, तब से भी स्कूल जा रहा है, अब 10th standard पढ़ रहा है बच्चा। अब जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आराम है, सब पूरा काम करता है बच्चा, सर्जरी करने के बाद पूरा काम भी करता है। मणिपाल हॉस्पिटल और विद्याधर सर को बहुत से बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्कोलियोसिस इज ए कॉमन कंडीशन सीन इन गर्ल्स, एस्पेशली व्हेन इट अपीयर्स इन 10 to 15 years ऑफ एज, वेर इन इट इज कॉल्ड एज एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। हाउएवर व्हेन इट हैपेंस इन बॉयज at a much younger age, probably since birth, you think of congenital anomalies in the spinal column causing a bend in the back. And this is very rapidly progressive and has to be dealt with at the earliest, as early as 1.5 to 2 years of age. Thank you. विद्याधर सर को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया, पूरे सारा को मेरे तरफ से धन्यवाद।